Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. Major pest of wheat. देखिए राइस के जो मेजर पेस्ट हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. पेस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ किसे कहा जाता है. पेस्ट होता है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट जो होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट जो होते हैं जो कि क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं, उन्हें पेस्ट कहा जाता है. ठीक है, तो देखिए वीट का सबसे मेजर पेस्ट जो पहला पेस्ट है वो है एफिड. वीट एफिड इसे कहा जाता है. मैक्रोसिफम जो है इसका साइंटिफिक नेम है. और अगर इसके होस्ट रेंज की बात की जाए तो वीट के अलावा ये देखिए बार्ले में, ओट्स में और साइनाडॉन डेक्टाइलॉन. देखिए साइनाडॉन डेक्टाइलॉन एक वीट प्लांट है तो उसमें भी जो है ये देखने को मिलता है. और बार्ले और ओट्स जो सीरियल क्रॉप है उनमें भी जो है इसका इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है. देखिए अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो उन एरियाज में जहां पे वीट को वाइडली ग्रो किया जाता है, इसकी जो प्रेजेंस होती है, अपीयरेंस होती है, उन एरियाज में देखने को जो है फ्रिक्वेंटली मिलती है. अब बात करते हैं देखिए इसके डैमेज की. देखिए डैमेज जो होता है निम्फ और अडल्ट. निम्फ मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि निम्फ एक इमेच्योर इंसेक्ट होता है. निम्फ जो है बेसिकली मेटामॉर्फोसाइज होता है अडल्ट में. तो निम्फ सबसे ज्यादा डैमेज करता है. निम्फ लार्वा ये जो स्टेज होती है ये क्रॉप को बहुत ज्यादा डैमेज करती है. तो देखिए किस तरह से ये देखिए एयर को डैमेज करता है, लीव्स को कुछ इस तरह से जो है एफिड डैमेज करता है. और इस तरह से देखिए जो एयर होता है, पूरा जो एयर होता है उसमें जो है बेसिकली ये उसको इन्फेक्ट कर देता है, उसको अटैक करता है. देखिए ये जो है यंग लीव्स को सबसे ज्यादा जो है अटैक करता है क्योंकि यंग लीव जो है वो टेंडर होती है. और ये क्या करता है कि टेंडर जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनसे जो सैप होता है उसको डीसैप करता है, मतलब उसके ऊपर फीड करता है. और क्लाउडी एंड कोल्ड वेदर में इसकी जो पॉपुलेशन होती है वो रैपिडली इंक्रीज होती है. तो इसीलिए जो है जो एफिड होता है इसका जो निम्फ होता है, ठीक है, अगर क्लाउडी वेदर कंडीशन है या कोल्ड वेदर कंडीशन है तो उस टाइम पे जो है ये प्लांट को बहुत ज्यादा हार्म करता है. तो ये इसके जो है डैमेज सिम्टम्स होते हैं. उसके बाद देखिए अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो कुछ जो कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं वो सबसे पहले ये होती है कि जब इसका जो है अपीयरेंस जो है फील्ड में इनकाउंटर किया जाता है तो जो सेलेक्टिव जो एरिया होता है जहां पे जो है इसके सिम्टम्स अपेयर होते हैं तो उस सेलेक्टिव एरिया में ही जो है स्प्रे किया जाता है इंसेक्टिसाइड का. अगर जो है धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वहां पे अदर जो प्रैक्टिसेस होती है जैसे इंसेक्टिसाइड हो गया, डाइमेथियोट हो गया, ऑक्सीडेमेटॉन हो गया, ठीक है, मोनोकोटोपॉज हो गया, तो इनमें से कोई सा भी जो है एक इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए. और अदर प्रैक्टिसेस सच एज जो प्लांट्स होते हैं जिनमें इनकी पॉपुलेशन को एनकाउंटर किया जाता है उन्हें इमीडिएटली फील्ड से जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है. ठीक है, तो ये सारे जो है इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं. और इस तरह से जो है ये एयर को डैमेज करता है और क्रॉप को बहुत हद तक बहुत ज्यादा डैमेज जो है ये वीट क्रॉप को करता है. तो ये वीट एफिड है, वीट का फर्स्ट जो पेस्ट है, डिस्ट्रक्टिव पेस्ट जिसे हम कहेंगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है वीट की वो है आर्मी वॉर्म. आर्मी वॉर्म को जो है क्लाइंबिंग वॉर्म भी यहाँ पे कहा जाता है. क्लाइंबिंग कट वॉर्म जो है इसका अनदर नेम है. मिथिमना सेपराटा इसका साइंटिफिक नेम है. और होस्ट रेंज की बात की जाए तो वीट के अलावा ये शुगर केन में देखने को मिलता है, मेज में, ज्वार में, बाजरा में और जो अदर ग्रेमिशियस क्रॉप होती है. ग्रेमिशियस मतलब जो ग्रास फैमिली को बिलोंग करती हैं जो क्रॉप्स उनमें जो है ये देखने को मिलता है. वो सारे ही जो है इसके होस्ट रेंज के अंदर आते हैं. देखिए होस्ट का मतलब होता है कि वीट के अलावा जो है इन प्लांट्स में भी इसकी जो है प्रेजेंस देखने को मिलती है. इन प्लांट्स को भी जो है ये हार्म पहुंचाता है जिसके कारण इसका जो प्रेजेंस होता है फील्ड से एलिमिनेट करना मुश्किल होता है. देखिए मेज भी एक सीरियल क्रॉप है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो ये क्रॉप जो है सीरियल क्रॉप्स हैं. तो ये सारी ही सीरियल क्रॉप्स में जो है देखने को मिलता है. तो ये इसकी जो है होस्ट रेंज होती है. उसके बाद इसके डैमेज सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए जो लार्वा होता है न्यूली इमर्ज लार्वा ये क्या करता है कि ये यंग टेंडर लीव्स के ऊपर जो है
फीड करना स्टार्ट करता है, देखिए टेंडर लीव्स के ऊपर जो है फीड करता है, और सीवियर कंडीशन में जब अटैक बहुत सीवियर हो जाता है तो पूरी ही लीफ के ऊपर जो है ये बेसिकली पूरी लीफ को कंज्यूम कर जाता है। देखिए इस तरह से, देखिए ये देखिए एयर में इस तरह से जो है देखने को मिलता है, ये बेसिकली लार्वा है, ठीक है, कैटरपिलर जिसे कहा जा सकता है। और ये देखिए ग्रेन इस तरह से डैमेज रहते हैं, जिन ग्रेन में बेसिकली आर्मी वॉर्म अटैक करता है या क्लाइंबिंग कट वॉर्म जो है अटैक करता है, ये इसकी जो है अडल्ट फॉर्म है और ये इसकी जो है लार्वा फॉर्म है। और ये देखिए ग्रेन को इसने डैमेज करा है, इस तरह से जो है ये जो ग्रेन होता है वीट का उसको डैमेज करता है। तो ये जो है बेसिकली इसके सिम्टम्स होते हैं। देखिए मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो कैटरपिलर्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और डिस्ट्रॉय किया जाता है, क्योंकि कैटरपिलर देखिए सबसे ज्यादा जो है ग्रेन को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, ग्रेन को जो है अटैक करते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है कैटरपिलर जो है क्रॉप को करते हैं। तो उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद देखिए 500 ml डाइक्लोरोवॉस जो होता है इंसेक्टिसाइड, 85 ml, 85 SL और 3 kg ऑफ कार्बरिल, या 3 kg ऑफ कार्बरिल का जो है बेसिकली एप्लीकेशन दिया जाता है, या क्विनलोफोस का जो है एप्लीकेशन दिया जाता है फील्ड में पर हेक्टेयर बेसिस पे। तो इनमें से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी और अवेलेबिलिटी जो है एप्लीकेशन दिया जाता है टू कंट्रोल दी आर्मी वॉर्म, आर्मी वॉर्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। देखिए इसका जो लार्वा होता है जब बेसिकली ये इमर्ज हो जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही रैपिडली जो है फील्ड टू फील्ड जो है बेसिकली ये फीड करता जाता है प्लांट के ऊपर, और बहुत रैपिडली जो है ये क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। तो जैसे इसकी प्रेजेंस जो है एनकाउंटर की जाती है तो कैटरपिलर्स को बेसिकली जो है सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया जाता है, फाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो डिजीज, सॉरी नॉट डिजीज, नेक्स्ट जो पेस्ट है वो है वीविल, इसे बेसिकली गुजिया वीविल कहा जाता है, ठीक है। टैनीमैकस जो है, टैनीमैकस इंडिकस इसका नाम है, और इसकी होस्ट रेंज की अगर बात की जाए तो जर्मिनेटिंग रवी क्रॉप्स में बेसिकली देखने को मिलता है, मतलब वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, ठीक है। वीट के अलावा इन सारी क्रॉप्स में जो है आप इसको एनकाउंटर कर सकते हैं, इसकी अपीयरेंस को जो है वहां पे बेसिकली जो है विजुलाइज कर सकते हैं। उसके बाद इसके डैमेज सिम्टम्स की बात करें तो देखिए जो अडल्ट होता है वो लीव्स के ऊपर, टेंडर शूट के ऊपर जो है फीड करता है जो भी होस्ट प्लांट होते हैं, ये यहाँ पे वीट प्लांट की बात हो रही है, तो वीट के जो टेंडर पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर फीड करता है, ठीक है। और जो सीडलिंग्स होती हैं बेसिकली वो जो है जर्मिनेटिंग सीडलिंग जो होती है ग्राउंड लेवल पे, उनको बेसिकली जो है ये उनको ऊपर जब फीड करता है, मतलब उनको उनके ऊपर जो है ये कटिंग एक तरह की करता है ताकि जो सीडलिंग्स होती हैं बेसिकली वो जो है इमर्ज नहीं हो पाती प्रॉपरली, ठीक है, ग्रो नहीं कर पाती हैं प्रॉपरली अगर जो है वीविल ने उन्हें उन पर अटैक करा है तो। सीडलिंग बहुत ही इल जो है बिहेव करती है। उसके बाद देखिए जो सीरियस डैमेज इसका देखने को मिलता है वो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे दिखता है, जिस टाइम पे रवी क्रॉप जो है जर्मिनेट होती हैं। तो देखिए ये जो है वीट क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जर्मिनेशन में ही जो है इसको अटैक कर रहा है तो प्लांट आगे ग्रो नहीं कर पाता। देखिए अक्टूबर नवंबर जो मंथ होता है ये पीक मंथ होता है जब रवी क्रॉप जो है जर्मिनेट होती है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इसके डैमेज सिम्टम्स होते हैं। और वीविल कुछ इस तरह से देखिए ये दिखाई देता है इस तरह से, और ये देखिए ये ग्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, सीडलिंग्स को बहुत ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है, जो यंग जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स होती हैं उनको बेसिकली जो है बहुत हार्म करता है। इसके मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो देखिए कार्बोरिल और मेलाथियन का जो है एप्लीकेशन इसकी पॉपुलेशन को, इसके जो अटैक होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है दिया जाता है, ठीक है। 25 kg पर हेक्टेयर बेसिस पे जो है इसका एप्लीकेशन फील्ड में दिया जाता है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ गुजिया वीविल, फाइन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है, सॉरी नॉट डिजीज, इट्स पेस्ट, देखिए पेस्ट जो है नेक्स्ट वो है ग्राम पॉड बोरर। देखिए ग्राम पॉड बोरर आपको चिकपी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही जो है सीरियस पेस्ट है। पल्स में जो है चिकपी जब आएगा, चिकपी में जो है आपको देखने को मिलेगा, ग्राम में आपको जो है बंगाल ग्राम जिसे कहा जाता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी वीट में भी जो है ये बेसिकली डैमेज करता है। हेलिकोवोरा आर्मीजेरा जिसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट पेस्ट ये है, ठीक है।
उसके बाद देखिए इसकी होस्ट रेंज, देखिए राइस, मेज, मिलेट्स, शुगरकेन, ग्रासेस, इसकी जो है होस्ट रेंज है. और अदर जो मैंने आपको बताया कि ये आपको जो है ग्राम में भी देखने को मिलेगा, ग्राम भी जो है इसका इसका अटैक जो है ग्राम के प्लांट को भी जो है ये अटैक करता है, बंगाल ग्राम जिसे कहा जाता है. तो देखिए यहाँ पे इसका डैमेज जो है, देखिए ग्राम पॉड बोरर जो होता है वो वीट को मैच्योरिटी के टाइम पे अटैक करता है, मतलब जब जो है ग्रेन मैच्योर होने वाला होता है उस टाइम पे अटैक करता है. इस तरह से देखिए इसका जो जो इसकी इमेच्योर फॉर्म होती है वो इस तरह से आपको देखो एयर जो होते हैं उनमें देखने को मिलेगी, देखिए इस तरह से, और ये इसकी मैच्योर फॉर्म होती है. ठीक है, ग्रेन और एयर हेड्स के ऊपर ये फीड करते हैं और वीट और जो है कॉटन जैसी क्रॉप्स को ये बहुत ज्यादा जो है डैमेज करते हैं. तो देखिए वीट को मैच्योरिटी के टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम पे करेगा तो सबसे ज्यादा जो लॉस होगा वो ग्रेन का लॉस होगा. तो ग्रेन जो है उसमें बहुत ज्यादा जो है ये ग्रेन को अटैक करता है, तो ये इसके जो है डैमेजिंग सिम्टम्स होते हैं. अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए 3 kg ऑफ कार्बरिल जो है बेसिकली अप्लाई किया जाता है, और क्विनफोस, क्विनफोस भी जो है, इस क्विनफोस का भी एप्लीकेशन दिया जा सकता है. तो इनमें से कोई सी एक इंसेक्टिसाइड का जो है एप्लीकेशन ग्राम पॉड बॉरर को कंट्रोल करने के लिए दिया जा सकता है. ठीक है, तो ये हेलिकोवोरा आर्मीजेरा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पेस्ट है, आगे भी किसी क्रॉप में जो है आपको देखने को मिल सकता है, रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है इस पेस्ट की, तो ये जो है आपको आगे भी देखने को मिलेगा. तो जो प्रेस जो है बहुत सारी क्रॉप में आपको देखने को मिलते हैं, तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनका जो फ्रिक्वेंसी होती है अपेयर होने की फील्ड में, या उनके डैमेज के जो बेसिकली डैमेज के जो रीजंस होते हैं वो बेसिकली जो है सिमिलर होते हैं, या उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट होता है. चलिए देखिए नेक्स्ट पेस्ट है टर्माइट्स. टर्माइट्स जिन्हें दीमक भी कहा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं, ये जो है क्रॉप के साथ साथ जो है नॉर्मली भी आपको देखो हाउस में देखने को मिलती हैं टर्माइट्स, और ये बहुत ज्यादा डैमेज जो है वुड्स को, वुड को करती है. ठीक है, यहाँ पे ये वीट को बहुत ज्यादा डैमेज करती है. ठीक है, देखिए ये क्या करती है टर्माइट्स, ये वीट क्रॉप को जो है शोइंग और नियर मेच्योरिटी बहुत ज्यादा डैमेज करती है. प्लांट जो है ड्राई होने लगता है, इस तरह से कंप्लीटली ड्राई हो जाता है, और इजिली जो है इसे बेसिकली पुल किया जा सकता है फील्ड से. तो ये इसके जो है डैमेज के सिम्टम होते हैं. और बेसिकली व्हाइट एयर्स, देखिए जो लेटेस्ट स्टेज होती है गिव राइज टू व्हाइट एयर्स, मतलब जो एयर बेसिकली होते हैं ठीक है वीट के, वो व्हाइट कलर की अपीयरेंस देने लगते हैं कुछ. देखिए इस तरह से, देखिए ये बहुत ही ज्यादा ग्रुप में होती हैं, तो ये इस तरह से बहुत जो बहुत ही ज्यादा सीवियर डैमेज जो है ये क्रॉप को करती है. तो टर्माइट्स भी जो है वीट का एक पेस्ट है जो कि डैमेज करता है वीट को. इसके मैनेजमेंट के लिए देखिए सीड को जो है क्लोरोपाइरोपॉस से जो है ट्रीट किया जाता है, या एंडोसल्फान, ठीक है एंडोसल्फान से जो है, एंडोसल्फान का एप्लीकेशन दिया जाता है सीड को अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द इंसेक्टिसाइड. उसके बाद अगर ये स्टैंडिंग क्रॉप को जो है बेसिकली अटैक करता है, तो 2.5 लीटर ऑफ एंडोसल्फान को जो है 5 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स किया जाता है, और 50 kg ऑफ सॉइल, ठीक है 50 kg ऑफ सॉइल में जो है बेसिकली इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है इवनली 1 hectare फॉलोड बाय दी लाइट इरिगेशन, अगर ये स्टैंडिंग क्रॉप को जो है डैमेज कर रहा है. तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं. तो ये है टर्माइट्स. उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पेस्ट है ये इंपॉर्टेंट पेस्ट है, ये है नेमेटोड. नेमेटोड मोलियड नेमेटोड या सिस्ट नेमेटोड जिसे कहते हैं, ठीक है हेट्रोडेरा एवेनी. देखिए ये जो होस्ट रेंज है निमेटोड की, ये है वीट, बार्ले, ओट्स और राई, ये इसकी जो है होस्ट रेंज है. और इसका जो टिपिकल सिम्टम होता है ये इस तरह से सिस्ट फॉर्म करता है, इसीलिए इसे सिस्ट निमेटोड कहा जाता है. देखिए जो अटैक प्लांट होते हैं बेसिकली रिमेन स्टंटेड, उनकी ग्रोथ जो है बेसिकली स्टंट हो जाती है, और श्रिवल्ड अनहेल्दी अपीयरेंस. देखिए इस तरह से ये रूट पार्ट में जो है सिस्ट फॉर्म करने लगता है, और जो जो अटैक प्लांट होता है जिसमें निमेटोड ने सिस्ट निमेटोड ने अटैक किया होता है वो बहुत ही इल बिहेव करता है, मतलब उसका जो हेल्दीनेस होती है वो पूरी ही जो है बेसिकली लॉस कर लेता है, और प्लांट कुछ जो है श्रिवल हो जाता है, मतलब श्रिंक होने लगता है. उसके बाद देखिए जो मेन रूट होती है वो शॉर्ट और बंची होने लगती है, बियरिंग स्मॉल गॉल्स. स्मॉल गॉल्स मतलब ये जो स्वेलन पार्ट्स हैं इनको बेसिकली जो है यहाँ पे कहा गया है, इस तरह से सिस्ट जो है ये फॉर्म करता है. और सीवियर इन्फेस्टेशन में जब इसकी जो है सीवियरिटी बढ़ने लगती है, तो जो सीडलिंग्स होती हैं दे आर फेल टू कम आउट ऑफ द सॉइल.
मतलब जर्मिनेट ही वो जो है प्रॉपरली नहीं हो पाती सॉइल से, जो है उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड होने लगती है, मतलब वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाती है। तो ये इसके डैमेज के सिम्टम्स होते हैं। अगर इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बात की जाए तो देखिए रोटेशन, देखिए नेमेटोड का सबसे अच्छा जो बेसिकली मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है वो होती है रोटेशन। रोटेशन किया जाता है उन क्रॉप्स के साथ जिन क्रॉप में इसकी जो है बेसिकली प्रेजेंस नहीं देखी जाती, तो मस्टर्ड, पल्सेस, फेनुग्रीक, कैरेट, इनमें से किसी भी क्रॉप के साथ जो है रोटेशन किया जाता है, मतलब वीट के बाद कोई ऐसी क्रॉप लगाई जाएगी जिसमें जो है नेमेटोड का इन्फेस्टेशन नहीं देखा जाता है। तो इससे क्या होगा कि सॉइल में नेमेटोड की जो प्रेजेंस होगी वो जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसका जो सबसे अच्छा मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है वो रोटेशन होता है। उसके अलावा जो वीट की रेजिस्टेंट क्रॉप होती है निमेटोड के लिए, सिस्ट निमेटोड के लिए रेजिस्टेंट जो क्रॉप वैरायटी होती है जैसे राज MR1 और बारले की, बारले RD2035 और RD2052, ठीक है, तो ये जो है रेजिस्टेंट वैरायटी है ये वीट की है, तो इनको जो है बेसिकली प्रिफर किया जाता है जहां पे सिस्ट निमेटोड या निमेटोड की जो है पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जहां पे इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है, या फिर जो है कार्बोफ्यूरॉन का एप्लीकेशन दिया जाता है 45 kg पर हेक्टेयर के रेट से, ठीक है। और निमेटोड वीट में बहुत ज्यादा जो है ये डैमेज करता है, इंपॉर्टेंट पेस्ट है वीट के पर्सपेक्टिव से निमेटोड। एक और अदर टाइप ऑफ निमेटोड आगे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे गॉल निमेटोड, देखिए गॉल निमेटोड कुछ इस तरह से जो है ग्रेन को ये इन्फेक्ट करता है, ग्रेन को अटैक करता है और बहुत ज्यादा लॉस जो है ये ग्रेन को करता है। देखिए जो अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं लेस स्टंटेड जो है, और इनकी जो लीव्स होती है वो उनके रिंकल लीव्स होती है, मतलब लीव जो है वो बेसिकली श्रिवल्ड होने लगती है, रिंकल उनमें आने लगते हैं और रोल्ड ट्विस्टेड जो है बेसिकली वो होने लगती है, ठीक है। जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो गॉल्स प्रोड्यूस करते हैं। देखिए ये जो देखिए ये ब्राउन ब्राउन पार्ट आपको दिख रहा है ये होते हैं गॉल्स, तो इन्हें कहा जाता है जो ग्रेन होते हैं वो गॉल्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। और जो ग्लम्स होते हैं, ठीक है, ग्लम्स आर स्प्रेड फर्दर अपार्ट, ये जो होते हैं बेसिकली इनके यहाँ पे जो है स्पेस आने लगता है, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है एक पैटर्न में होते हैं, तो ये जो है बेसिकली स्प्रेड होने लगते हैं कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से हो जाते हैं, लूज से हो जाते हैं जब जो है गॉल निमेटोड अटैक करता है वीट प्लांट को। देखिए इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो देखिए वीट गॉल जो होते हैं, वीट गॉल निमेटोड जो होते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है बाय सेपरेटिंग द गॉल्स फ्रॉम द वीट सीड। देखिए वीट सीड जो होते हैं उनमें बेसिकली गॉल्स होते हैं, तो उन गॉल्स को जो वाटर ट्यूब में डाला जाता है तो ये बेसिकली लाइट होते हैं और ये फ्लोट करने लगते हैं वाटर सर्फेस के ऊपर, और तब इनको जो है उससे रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। सीड्स में बेसिकली गॉल्स होते हैं, ये जो है ग्रेन में इस तरह के गॉल्स फॉर्म हुए होते हैं, तो इनको जो है वाटर में, ये जो वाटर ट्यूब होती है उनमें डाल दिया जाता है ताकि वो फ्लोट करे सरफेस के ऊपर। उसके अलावा देखिए जो इनकी पॉपुलेशन होती है सप्रेस करने के लिए जो सीड होता है उसे अनइन्फेस्टेड सॉइल में जो है बेसिकली शो करना चाहिए, क्योंकि निमेटोड जो है वो बेसिकली सॉइल में अगर उसकी पॉपुलेशन है तो वो दोबारा से जो है प्लांट को अटैक करता है और फिर से जो है प्लांट में गॉल्स जो है प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो ये बेसिकली इसके डैमेज और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है। तो ये दो तरह के निमेटोड हैं, सिस्ट निमेटोड और गॉल निमेटोड, जो कि वीट में देखने को मिलते हैं और ये बहुत ज्यादा जो है डैमेज करते हैं। लेकिन निमेटोड जो है बेसिकली दो तरह के, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दोनों ही निमेटोड हैं लेकिन अलग अलग जो है इनके बेसिकली सिम्टम्स हैं, तो उसमें जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए कुछ माइनर पेस्ट है। देखिए एफिड हमने मेजर में भी पढ़ा और माइनर में भी पढ़ा है। एफिड की कुछ अदर स्पीसीज हैं जो बेसिकली माइनर पेस्ट में आती हैं, वीट के इतने ज्यादा जो है फ्रिक्वेंटली रिपोर्ट नहीं की जाती, बट हाँ कुछ जो है डैमेज ये क्रॉप को करती हैं। देखिए कुछ हॉपर्स हो गए, जैसेट्स हो गई, वीट बग हो गया, ठीक है, वीट थ्रिप्स भी है, ठीक है, कट वॉर्म्स हो गया, ठीक है, पिंक बोरर, शूट फ्लाई, ठीक है, होल मैगॉट एंड फ्ली बीटल। तो ये कुछ जो है माइनर पेस्ट हैं जिनके नाम जो है आपको पता होने चाहिए कि ये सारे पेस्ट भी जो है वीट में देखने को मिलते हैं। जो हमने डिस्कस करे वो सारे मेजर हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन माइनर के आपको नाम पता होने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में जो है आंसर को ऑप्ट करने में जो है सुटेबिलिटी हो, ठीक है। तो चलिए जो मॉड्यूल नंबर सेकंड है एंटमोलॉजी का वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, और थर्ड मॉड्यूल जो है हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। So thank you so much for watching the video.